नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिक्स बाय ब्रिक्स में। और आज हम लोग देखेंगे निराला स्टेट फेज टू प्रोजेक्ट में 3 BHK फ्लैट की एक्चुअल वीडियो, जिसका साइज होगा 1225 स्क्वायर फीट। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था 1270 स्क्वायर फीट फ्लैट को, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में। तो बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन की वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन सेक्टर टेक जोन 4 में। बात करें कनेक्टिविटी की, तो आप सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से आते हैं, तो जैसे आप नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री करते हैं गौर चौक पर आप कनेक्ट हो जाते हैं। सेक्टर 51 से आपको अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 किलोमीटर चलना होता है तो आप गौर चौक पर आ जाते हैं, और गौर चौक से आपको राइट लेना होता है, वहां से आप अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर चलते हैं तो लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल मेन रोड का प्रोजेक्ट है। और बात करें मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो अभी करंट में आपको सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन नियर बाय पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 किलोमीटर होता है। और बात करें फ्यूचर मेट्रो स्टेशन की, तो यहाँ पर आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा गौर चौक का, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर होगा। और बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये बिल्कुल कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। टोटल ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से हाफ पोर्शन ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जिसमें काफी टाइम से फैमिलीज रह रही हैं। बात करें फेज टू की, तो इसके अंदर टोटल 5 टावर्स हैं और यहाँ पर आपको 2 और 3 BHK के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। बात करें साइजेस की, तो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज मिलता है 995 स्क्वायर फीट, जो कि 2 BHK का फ्लैट होता है, और सबसे बड़ा साइज होता है 1897 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस स्टडी रूम का फ्लैट होता है। और बात करें प्राइसिंग की, तो आज जिस फ्लैट की हम लोग वीडियो देखने वाले हैं इसका प्राइस आता है अप्रॉक्सीमेट 70 लाख। और बात करें फीचर्स और एमिनिटीज की, तो यहाँ पर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक ऐसी एमिनिटीज हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी बिल्डर्स नहीं दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्लब हाउस के अंदर मिनी थिएटर की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गेस्ट रूम की फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पर आपको मल्टीपल इंडोर गेम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर 3 एकड़ का एक डेडिकेटेड गेमिंग जोन है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल गेम्स मिल जाते हैं, लाइक बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, तो इस तरह की एमिनिटीज आपको सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट MyOne कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम मिलती है। तो अभी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा एक्चुअल फ्लैट पर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट की वीडियो, जिसका साइज होगा 1225 स्क्वायर फीट। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल फ्लैट पर। इस फ्लैट का साइज होगा 1225 स्क्वायर फीट। ये 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का फ्लैट होगा। तो फ्लैट को देखने से पहले देखते हैं कॉरिडोर एरिया को। तो ये आपका कॉरिडोर एरिया हो जाता है। आपको 2 लिफ्ट्स मिल जाती हैं, 24 फ्लोर की हाइट है इस टावर की। 2 फ्लैट आपको उधर मिल जाते हैं और 2 फ्लैट आपको इधर मिल जाते हैं। तो ये वाला फ्लैट हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका साइज़ है 1225 स्क्वायर फीट। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं। तो एंट्रेंस के साथ में आपको एक सेपरेट एरिया मिल जाता है, आप इसको चाहें तो सूरेक वगैरह की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके फ्लैट की एंट्रेंस हो जाती है। 1225 स्क्वायर फीट का साइज़ है, उसके हिसाब से आप एरिया को देखिएगा। तो काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है ये, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हो जाता है आपका ये। साथ में आपको एक बालकनी मिल जाती है, जिससे आपको पूरे सेंट्रल पार्क का व्यू आता है। तो ये आपका बालकनी का एरिया हो जाता है और सामने पूरा सेंट्रल पार्क का एरिया हो जाता है। ये जो आप टावर्स देख रहे हैं, ये फेज 4 के टावर्स हैं, और जिनमें ये पेंट हो चुका है ये फेज 2 के टावर्स हैं। और ये वाला पार्ट हो जाता है क्लब हाउस का। क्लब हाउस काफ़ी लग्जूरियस बना हुआ है। चलिए देखते हैं सबसे पहले बेडरूम को। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी है और ये सबसे पहले आपका बेडरूम हो जाता है, जिसको आप एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कवर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है, एक विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपका डाइनिंग एरिया की तरह यूज हो सकता है, बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये आपका किचन का एरिया हो जाता है। आप देखेंगे 1225 स्क्वायर फीट के हिसाब से काफ़ी अच्छी किचन आपको मिलती है। दोनों तरफ आपको स्लैब मिल जाती हैं, फ्रिज के लिए आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है, और किचन के साथ आपको यूटिलिटी बालकनी भी मिलती है, देखते हैं। तो ये आपका यूटिलिटी बालकनी का स्पेस हो जाता है, जिसमें आप इजीली वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पार्क का व्यू दिखाता हूँ। तो ये हमारे फेज 2 के टावर्स हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का पार्क डेवलप होगा। आप एक एरिया का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना गैप होगा। तो आप देखते हैं फेज 4 के टावर्स वहाँ पर है और फेज 2 के टावर्स यहाँ पर हैं, तो काफ़ी सफिशियंट गैप है। तो आपको सनलाइट, डे लाइट, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको फ्लैट में मिलती हैं। चलिए देखते हैं सेकंड बेडरूम को। तो
तो ये आपका सेकंड बेडरूम हो जाता है और इसके साथ ये वॉशरूम यूज होता है, तो ये कॉमन वॉशरूम हो जाता है बेसिकली, कोई गेस्ट भी आता है तो वो भी इसको यूज कर सकता है। तो ये पूरा आपका कॉमन वॉशरूम हो जाता है। चलिए देखते हैं सेकंड बेडरूम को। तो ये आपका सेकंड बेडरूम है और इसके साथ भी आपको एक बालकनी मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइंग रूम, किचन, आपको बेडरूम के साथ भी बालकनी मिलती है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है आपके पूरे घर में, आपको दिन में कभी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है। और ये आपका बालकनी का स्पेस है, एल शेप में बालकनी आपको इसमें मिल जाती है। और यहाँ से भी अगेन आपको पार्क का व्यू आता है। चलिए अब देखते हैं मास्टर बेडरूम को। तो ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है, इसके साथ आपको सेपरेट वॉशरूम मिलता है और आपको काफ़ी बड़ा कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है। तो ये आपका पूरा वॉशरूम का एरिया हो जाता है। वॉशरूम आप जैसा देख रहे हैं आपको एज इट इज ऐसे ही मिलने वाला है, इसमें जो भी फिटिंग्स वगैरह हैं ये एज इट इज आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो ये हमारा पूरा मास्टर बेडरूम है और इसके साथ भी अगेन आपको एक बालकनी मिल जाती है। तो ये आपका बालकनी का एरिया हो जाता है और यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह का व्यू आएगा। तो अभी हम लोगों ने इस फ्लैट को कम्प्लीटली देख लिया है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।